तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए। जी हाँ, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिसकी 18वीं मीटिंग 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में होनी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह तैयार है। भारत 2021 में G20 समिट होस्ट करने वाला था, लेकिन हम 2022 में अपने 70वीं वर्षगांठ में G20 समिट करना चाहते थे। इसके लिए हमने इटली को मना भी लिया था, लेकिन इंडोनेशिया के 2023 में G20 समिट और आसियान समिट दोनों एक साथ आ जाते थे, तो इसलिए 2022 का G20 समिट इंडोनेशिया ने होस्ट किया और 2023 का G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। और नेक्स्ट G20 समिट 2024 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में होगा। G20 2023 का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 23 का मेन एजेंडा है ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेसिलिएंट ग्रोथ एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी वुमन लेड डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिकों पर देश में कई हिस्सों में 2023 में काफी G20 समिट हो चुके हैं, जिनमें इन्हीं टॉपिकों पर डिस्कशन हुआ है, जहां इन देशों के एक्सपर्ट्स यहां पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मीटिंग करेंगे, जिसमें चाइना और रशिया दो देशों के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, उनके स्थान पर यहाँ उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब आपको बताते हैं कि G20 में कौन कौन से देश हैं और वहाँ से कौन मीटिंग अटेंड करने आ रहा है। अर्जेंटीना से उनके प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडेज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनेज, ब्राजील प्रेसिडेंट लुइज इंसियो लुला डी सिल्वा, कनाडा PM जस्टिन ट्रूडो, चाइनीज प्रीमियर ली क्विंग, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉट, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो होस्ट हैं इस आयोजन के, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इटली की PM जॉर्जिया मिलोनी, जापान के PM फुमियो किशिडा, मेक्सिको प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल, साउथ कोरिया प्रेसिडेंट जॉन सुक योल, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव, सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रैमपोजा, टर्की प्रेसिडेंट रिकेप टाइप अर्डोगन, यूनाइटेड किंगडम PM ऋषि सुनक, US प्रेसिडेंट जियो बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लियन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल। ये तो G20 के मेंबर हो गए। इसके अलावा कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, जिनमें बांग्लादेश PM शेख हसीना, कोमोरोस प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, मॉरिशियस PM प्रविंद जुगनौथ, नीदरलैंड PM मार्क रूट, नाइजीरिया प्रेसिडेंट बोला तिनुबु, ओमान सुल्तान हैथम बिन तारिक, सिंगापुर PM ली हसिंग लुंग, स्पेन PM पेड्रो सैंचेज, UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान। उनके अलावा वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के प्रमुख लोग, जिनमें ADB प्रेसिडेंट, CDRI डायरेक्टर जनरल, FSB चेयरपर्सन, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर, ILO डायरेक्टर जनरल, ISA डायरेक्टर जनरल, OECD सेक्रेटरी जनरल, UN सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, WHO डायरेक्टर जनरल, WTO डायरेक्टर जनरल। ये मेन लोग G20 समिट में उपस्थित रहेंगे। ये G20 समिट देश और दुनिया के लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव रखे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई यूजफुल वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।